हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इससे पहले वर्ल्ड मार्ट का जो कमांड था, मेन मेन कमांड हमने सारा सीखा कि वर्ल्ड मार्ट में जो भी कमांड है उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं वर्ल्ड मार्ट पे। सबसे पहला एक्सरसाइज ये है, ये डायमेंशन दिया हुआ है, ये आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये? ठीक है, ये ड्रॉ करने का बहुत तरीका है, स्केच ड्रॉ करने का। देखो ध्यान से देखोगे आप, ये 60 है ये लेंथ, और ये है कितना, 22। अभी ये 60 है, ये 60 का है और ये 40 का है, दिख रहा है? ड्रॉ कर लो सिंपली, स्केच में जाओ, टॉप प्लेन लो, पकड़ो इसे और इसे ड्रॉ करो ऐसे। स्मार्ट डायमेंशन दो, ये 40 का दो, ये दो 60। ओके, हो गया स्केच। फिर देखोगे ये कितना, एक प्लेन लेना है 22 पे। अब यहाँ से यहाँ तक एक 22 है और यहाँ ये कितना है, 40 है। तो एक प्लेन लेंगे 22 और 42 पे, या फिर आप 3D स्केच भी कर सकते हो, बट हम प्लेन लेके कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, फीचर्स में जाओ, एग्जिट कमांड लो, टॉप प्लेन चूज़ करो और प्लेन लो, कितने पे लेना है, 22 पे। ओके करो, देन दिस। फिर ये प्लेन सेलेक्ट करो, टॉप प्लेन जो था रेप प्लेन लो, कितने पे, 40 पे। 40 पे ही था ना, 40 पे ये प्लेन। ठीक है, ओके करो। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इस प्लेन पे आओ, इस पे आपको ड्रॉ करना है एक ये स्क्वायर पार्ट, जिसका ये 30 है और ये तो सेम होगा। तो इस पे आप ये लो, कौन सा, ये वाला, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से यहाँ कितना, 30 है, 30 है, 30 पे आके ये होगा। ये 60 था, ये 40 था, ये 60 दिया है हमने इसको, 60 है, 40 है। ठीक है, एग्जिट, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, वेल्ड मार्ट में जाना है, 3D स्केच पे क्लिक करना है, लाइन लेना है और इसे ज्वाइन कर देना है, एस्केप। फिर लाइन लेना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को करना है जॉइंट, एग्जिट। देखिए लगभग आपका आधा रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, इस प्लेन तक का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इसे कैसे करें, 3D स्केच में जाइए, लाइन लीजिए और इस लाइन को आप इसे थोड़ी स्ट्रेट कर लें। ठीक है, शीट वेल्ड मार्ट में जाइए, 3D स्केच चाहिए, लाइन लीजिए इस प्लेन तक। ओके, ठीक है, डायमेंशन इसका और इसका है 110। देखिए ध्यान से, 110 है, 110 हो गया। अब क्या करना है आपको, इस पे आना है, स्केच पे एग्जिट जाइए, स्केच पे आइए, ये कीजिए, देन एक कॉर्नर वाला लीजिए यहाँ तक, एग्जिट, ये हो गया। ठीक है, अब 3D वेल्ड मार्ट में 3D स्केच पे क्लिक कीजिए, दो पॉइंट पॉइंट डिफाइन है, इसलिए 3D स्केच करने में कोई दिक्कत नहीं होता, अदरवाइज इधर उधर भागता है। ठीक है, फिर से 3D स्केच का लाइन लीजिए, एक इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, एस्केप, फिर से लीजिए लाइन और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, एग्जिट। ठीक है, तो आपका जो ये स्केच है, स्केच रेडी हो गया, सेम स्केच रेडी हो गया है। आपको लगाना है क्या इसमें, आयरन पाइप, स्क्वायर पाइप है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मेंबर में जाना है, ISO सेटिस्फाई, चैनल रेक्टेंगुलर ट्यूब स्क्वायर ट्यूब, ठीक है, छोटा, अब सेलेक्ट। ठीक है, ग्रुप वन, ठीक है,
अब देखो ये ग्रुप टू ले लो, पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं फिर बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप टू में ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, जो आपने स्क्वायर दिया है इसमें जाना है, इसके स्केच पे जाना है, एडिट करना है स्केच को। कितने टाइम रिड्यूस करना है इसको? 4 टाइम रिड्यूस करना है, यहाँ लिखा नहीं है बट इसको 4 टाइम रिड्यूस करना है। जैसे मतलब ये 20 है तो ये कर दीजिए आप 4 सॉरी 5, ये हो गया। कंट्रोल जेड, ये 4 है तो इसे कर दीजिए 1 पहले, 1 ये हो रहा है, ठीक है। 2 है तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये 20 है इसे कर दीजिए 5, 4 है इसे कर दीजिए 1, हो गया। 4 टाइम रिड्यूस कर दी, अब देखना। ठीक है अब सही बन रहा है। नाउ इसमें आइए, एडिट कीजिए, अब पाइप अप लगाते जाइए, ग्रुप टू में आइए। चलिए नया ग्रुप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिस, ठीक है। एक और नया ग्रुप लीजिए, न्यू ग्रुप चाहिए उसके लिए, नो फिर एक नया ग्रुप लीजिए, ढांचा रेडी हो गया, ठीक है। रेडी हो गया, अब देखो अब देखोगे ध्यान से, रेडी होने के बाद तो ये कहीं उटपटांग दिख रहा है, ये जो मैश हुआ है ये मैश सही से हुआ नहीं है, तो इसके लिए ट्रिम में जाइए, ठीक है। क्लिक दिस दिस, ओके ट्रिम, मैश हो गया। और कहीं गड़बड़ है? इधर पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, इसको ठीक करना है। नहीं ये भी लगभग सही है, करना चाहते हैं तो ठीक देख लीजिए। इससे मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह ज्वाइन करना, ठीक है। अब इसको देखो, इसको ठीक करना है, कैसे ठीक करें? ट्रिम, ये ऐसे मैं चाहता हूँ ऐसे ज्वाइन हो, गया। ठीक है तो लीजिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब बाकी आप वेल्ड करना चाहते हैं इसे तो वेल्ड कर सकते हैं, स्पेस दबाइए अगर गुम हो गया तो। लीजिए आपका ढांचा रेडी हो गया, ठीक है, सब ठीक है हर तरफ से। बाकी आपको करना है क्या, जैसे ये जो आपको गैप दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे करना क्या है, वेल्डिंग वेल्ड करना है, काम हो जाएगा सरफेस के बीच में। कौन कौन सा ये और ये,
है, अगर बिल्ड आपको दिखना है यहाँ पे बिल्डिंग, तो इसके लिए आपको जाना है इसमें व्यू हाइड एंड शो वेल्ड बेड। ये देखिए वेल्ड दिख रहा है, वेल्ड हो गया यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके सब फेस सेलेक्ट कर लीजिए, दो ही फेस सेलेक्ट हो रहा है, दिस एंड दिस, वेल्ड लग गया ठीक है। ऐसे वेल्डिंग काम करता है, बाकी सब आप प्रैक्टिस करना आप हो जाएगा। इसके बाद फिर ये ड्रॉ करना है, ये फिगर है, इसके बाद ये ड्रॉ करना है, स्केच यहाँ दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज से आप देख लो, एक्सरसाइज मैंने आपको दे दिया, ये ड्रॉ करना है ठीक है। तो इतना ही एक्सरसाइज है फिलहाल, नेट पे भी बहुत सारे आपको ऐसे ढांचे मिल जाएंगे, आप वहाँ से लेके आप प्रैक्टिस, जैसे ये हैं, ये गेस्ट लगा हुआ है यहाँ पे ठीक है। तो आई थिंक ये खुद से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट पे भी बहुत सारा अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो वेल्ड मार्ट सिर्फ इतना ही था, इसमें और कुछ भी नहीं है खास बताने के लिए, जितना वेल्ड मार्ट में मेन था पहले लेक्चर में बता दिया था, और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये ड्रॉ करना सिखा दिया ठीक है। तो आई थिंक आपको वेल्ड मार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम फिर भी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।